आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 25 दिसंबर की शुरुवर्तान की। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं, मेरी क्रिसमस कहते हैं इसको। इस दिन के बाद से आपके दिन आस्ते आस्ते लंबे और रातें छोटी होनी शुरू होनी चाहिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन इक्वेटर के पास में और सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा उल्टा ही होता है। लेकिन ये उस समय की या उस युग की यादगार है जहाँ पर अंधकार कम होता है, मतलब कि नर्क खत्म होना शुरू होता है और स्वर्ग की स्थापना मतलब कि दिन की स्थापना होती है। तो 25 दिसंबर के हम इसलिए ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ताकि एक नए शुरुआत हो और जो अंधकार है वो कम होता जाए और उजालापन आता जाए। ये इस चीज़ का भी है यादगार। एंड हाँ, जीसस क्राइस्ट से भी रिलेटेड है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस संगम युग की जहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर का जो अंधकार है वो भी निकलना चाहिए और हमारे अंदर रोशनी आनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारे संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये संकल्प करते क्या हैं और इनको हम शुद्धिकरण कैसे करें ताकि हमारा जो भी संकल्प हो वो एक का दो गुना होके तीन का छह गुना हो जाए, एक का दो, दो का चार, चार का आठ या तीन का छह, आप मल्टीप्लाई करते रहें उसको और आपको हर कदम पर हर समय आपको सफलता मिले। देखें परमात्मा ने कहा क्या है इसके बारे में। परमात्मा पिता कहते हैं कि संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। कहने का अर्थ क्या है? ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। वो तब हो पाता है जब हम उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। ये जो ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान है इसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। इसके चेंजेस क्या होते हैं? क्रोध आता है, चलो शांति को इस्तेमाल करके देखें उस काम को कराने के लिए, चाहे कुछ भी चला जाए, चाहे मेरे टॉलरेंस की, मेरे पेशेंस की, धैर्यता की, सहनशीलता की लिमिट पहुंच जाए, लेकिन मुझे उस कार्य को कराने में धैर्यता को अपनाना ही है, क्योंकि तब जाकर के अंधकार की हार होगी और प्रकाश की जीत होगी। नहीं तो हम क्या कहते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसे कर ही नहीं सकते, ये करना ही पड़ेगा, हमें क्रोध इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा, झूठ बोलना ही पड़ेगा, हमें हर चीज को घुमा के बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी, हमारा काम कैसे निकलेगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं इस कारण से ही आज अंधकार है। लेकिन कुछ आत्माओं को ये करना ही पड़ेगा और कुछ आत्माएं ये कर रही ही हैं, चाहे उनको जितना भी मुश्किल हो रहा हो सत्य के राह पर चलने, चाहे कुछ भी ना मिल रहा हो उनको लाइफ में, चाहे धन के मामले में, चाहे सेहत के मामले में, चाहे संबंधों के मामले में लोग बिछड़ जा रहे हों, लेकिन वो आत्माएं फिर भी उस मुकाम पर, उस मंजिल तक पहुंचती हैं, क्योंकि वो मंजिल परमात्मा ने तय करी है, खुद की मंजिल नहीं है वो। तो परमात्मा के साथ में बुझाए बन करके हम नर्क को स्वर्ग कैसे बनाएं? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, सच्चा हो, सबके भले के लिए हो। सबसे मुख्य बात अब ये आती है, सबसे मुख्य बात करना क्या है इस चीज को करने के लिए, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है, एकदम प्योरीफाई बनाना है इसको, क्लीन और क्लियर करना है। कोई आप बीज डालते हैं और उसके बाद में आपको पता चलता है कि वो बीज के आजू बाजू तो अरे पत्थर थे, कंकड़ थे, अरे उसके आजू बाजू तो और भी बहुत सारे शाखाएं निकल रही हैं और बहुत सारे वीड्स हैं जो कि इस पौधे को बढ़ने नहीं दे रहे, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खा ले रहे हैं वो, तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली वही चीज आपको अपने संकल्पों में करनी है। ये कार्य सोचा आपने, अब कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, वो तो नहीं करने देगा मुझे, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, वो मेरे को बाधाएं बनाएगा, गवर्नमेंट बाधाएं बनाएगी, मेरे नेबर्स बाधा बनेंगे, ये सारे जो संकल्प है जिस कारण से हमारे अंदर उत्तेजना आती है, अहंकार आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आती है, इस कारण से ही हम अपने संकल्पों को अपवित्र बना देते हैं और हमारे संकल्पों की शक्ति, सिद्धि जो है वो हो नहीं पाती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। फिर परमात्मा कहते हैं यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। अगर थॉट्स आपके प्योर हैं, संकल्प प्योर हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी जो सोच है, बोल है और कर्म है वो एक समान हो जाएंगे, मिक्स नहीं होगा, जहां झूठ बोला, जहां थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बोला, इसका मतलब मिक्स हो गया। फिर परमात्मा कहते हैं ज्ञान स्वरूप माना हर समय, ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो, मतलब उसके अंदर सत्यता हो, सोचा जो, बोला जो, करा जो एक समान हो।
जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, है कि नहीं? और आजकल क्या है दुनिया में, ये प्रकाश की बात तो नहीं हो रही है, आप भी समझते हैं, लेकिन दुनिया में आज क्या है, भ्रष्टाचार को क्या करेंगे, उसको हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसको कहते क्या है, भ्रष्टाचार अंधकार है। आज संबंधों में जो आपस में प्रेम नहीं है वो भी अंधकार है, आज डिवोर्स केसेस जो हो रहे हैं वो भी अंधकार है, आज माता पिता बच्चों में प्रेम नहीं है वो भी अंधकार है, ईर्ष्या घृणा नफरत आलस्य अलबेलापन भी अंधकार है जीवन में, ये सारी चीज अंधकार है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे समर्थ हैं तो व्यर्थ हो नहीं सकता, अगर आपने इन सारी चीजों को निकाल दिया तो कोई व्यर्थ रहा ही नहीं, क्यों क्या कैसे कब कहां, एक क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये कैसे होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और अपने बीज रूपी संकल्प को प्योर बनाना पड़ेगा मेडिटेशन और ज्ञान के द्वारा, तो जरूर जाएं और इसका फल लें। इसके साथ ओम शांति।